नियत चाहे जितनी भी नेक हो, गलत तरीके से किए गए सही काम का अंजाम भी गलत ही होता है। मैंने कई गलतियां की, कई चोरियां की, काले बंदर के नाम पे ही सही, लेकिन थी तो मैं ही ना। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी ड्यूटी कर रहा हूं आशा। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो। देखिए, आप माफी मत मांगिए, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हें बेशक किसी से शिकायत ना हो, कानून को तुमसे शिकायत है क्योंकि तुमने कानून तोड़ा है। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा करंटिया। बिना सबूत बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते दरोगा जी। है कोई चश्मदीद गवाह इनके खिलाफ? शुभ भैया, जाने दीजिए ना, करंटिया को माफ कर दीजिए। मासा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने अगर मुझे आज ना बचाया होता तो ना जाने मेरा क्या होता। गलती मैंने की और सजा आप लोगों को मिली। एक पुलिस अफसर की बीवी होकर मुझे इतना भी समझ में ना आया कि मुझे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आज मेरी वजह से समाज के सामने शिबू जी का सर झुक के अब शिबू जी अगर मुझे माफ कर भी दे तो भी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप अपना बयान दीजिए प्लीज। किसके खिलाफ? अरे भाई, जब चेहरा ही नहीं देखा तो कैसे बताया कि हमला किसने किया? सही बात, हम जिसे पहचानते ही नहीं उसके खिलाफ हम बयान क्या देंगे? आप हमसे जबरदस्ती बयान नहीं ले सकते। बेकार की बातें मत कीजिए आप। मुझे पता है आप लोग FIR क्यों नहीं लिखवाना चाहते। डर है कि कहीं FIR के साथ साथ आप लोगों के ब्लैक मनी का कच्चा चिट्ठा सामने ना जाए और करंटिया के साथ साथ तुम लोग भी अंदर ना चले जाओ, राइट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो चुप ही रहिए। सबसे ज्यादा धांधली आपने की है। करंटिया का फोन तो उठाया नहीं, एक बार हम कोशिश करके देखें। शिबू बेटा, आप लोग सोए नहीं अभी तक? शिबू बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? नेमी बहू, तुम ऐसा करो, जल्दी से शिबू के लिए खाना लगाओ। नहीं मासा, मुझे भूख नहीं। मम्मी पापा कहाँ गए? बाहर गए, आ जाएंगे। आने दो, बहुत डांट लगाऊंगा पापा को। अरे शिबू, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुन। शिबू, अजी रुक 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 कार्तिक रुक, चल रही चल गाड़ी। अजी क्या हुआ? शिबू है पीछे, शिबू वो बोरा, शिबू बोरा, शिबू। अरे लेकिन ये इसने क्या होलिया मना रखा है? शिबू शिबू भैया, भैया ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? चलो घर चलो। अरे भाई हाँ। साहब हाथ हटा के बात करो, कौन हो? भैया ये आप उत्कर्ष भैया से कैसे बात कर रहे हैं? ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? अगर कोई आपका सीक्रेट मिशन है तो हमें बता दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। बिट्टू जी भी ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। नहीं बताएंगे। चलिए चलिए। अरे मैं क्यों ना जाऊं? तूने तो जूती पहनी नहीं है, तूने तो चप्पल पहनी है। अजी भाई साहब बताओ इसको। अरे ये मोटा बावड़ा हो गया है। देख भाई, जो हो गया सो हो गया। हम तेरा दर्द समझते हैं, लेकिन हमारा भरा पूरा प्यारा परिवार है, हम सब मिलकर ना सारा मामला सुलटा लेंगे। इसने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो कसम गुरु चंदगी राम की ऐसी पटकी मारूंगा 32 बार आज आपकी। ओ जी मुझे मारेगा तू भाई साहब? नहीं नहीं, मारना है ना मुझे, मार मार मुझे, मार मार। मिसेस कौशिक की आज बहू।